पहले बैंगन को आग में बर्न करूंगी। गैस तो मैं भी कर सकती है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है इसके लिए बैंगन फायरवुड यूज़ किया हूँ। ये हो गया, साइड में रख के ठंडा होने के लिए देंगे। तो मछली का पीस नमक और हल्दी से मैरिनेट करके मिक्स करके रखूँगी। बैंगन ठंडा हो गया तो इसको छीलूंगी। छीलने के बाद धो सकते हैं। अभी बैंगन को नाइफ से काट के साइड में रख दूंगी। पैन में ऑयल गरम करके मछली फ्राई किया हूँ। तो होने के बाद साइड में रखूँगी। उसमें तेल रह गया तो एक चम्मच जीरा दिया और प्याज, कटा हुआ प्याज में ऐड करके फ्राई करती रहूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से हिलाऊंगी। अदरक का पेस्ट एक चम्मच देके अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। एक चम्मच नमक दिया हूँ, फिर से मिक्स किया हूँ। जीरा पाउडर एक चम्मच दिया हूँ, धनिया पाउडर एक चम्मच देके फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया हूँ। 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स किया हूँ। और बैंगन जो काट के रखा था वो ऐड किया हूँ। अच्छी तरह से मिलाऊंगी ताकि मसाला के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। आप लोग ध्यान रखिए, काली मिर्च का पाउडर देने से नीचे लग जाता है कढ़ाई में, इसके लिए अच्छी तरह से हिलाते रहना पड़ेगा। एक मिनट के लिए अभी ढक के रखूँगी। एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर दिया हूँ और अच्छी तरह से मिक्स किया हूँ। एक गिलास पानी दिया हूँ, अच्छी तरह से हिला के 1 मिनट के लिए ढक के रखूँगी जब तक उबल ना जाए। और मछली का पीस ऐड किया हूँ, 2 या 3 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी और मछली का करी तैयार हो गया। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बारीकी से कटे हुए धनिया का पत्ते ऐड किया हूँ गार्निशिंग के लिए।